यहां पर हमको ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जिसको हमको एक्स और वाई के टर्म में लिखना है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो लॉग ऑफ, हमें पता है लॉग ऑफ एम बाय एन टू द बेस ए होता है लॉग ऑफ एम टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी ऑल नो वी कैन राइट इट एज लॉग ऑफ 11 बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 3। तो वी नो दिस बाय गॉड ग्रेस दैट लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू 1। तो अगर बेस और नंबर सेम है तो ये वैल्यू 1 आ गया। तो लॉग ऑफ 11 बेस 3 माइनस 1। अभी लॉग ऑफ 11 बेस 3 को हमको ये वैल्यूज यूज करना है कुछ तो करके। तो हमको पता है लॉग ऑफ 11 और 5 पावर 2 इज इक्वल टू गिवन है वाई। अभी ये हमको प्रॉपर्टी पता है लॉग ऑफ एम पावर एन एंड ए पावर पी। तो एन तो चक के आगे आता है एज इट इज और पी जो है वो रेसिप्रोकल होके आगे आता है और एम टू द बेस ए, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, 11 का पावर 1 है तो वो तो कोई बात नहीं, 1 को ले आओ और ये 2 आ जाएगा 1 बाई 2 बन के आगे। तो लॉग ऑफ 11 टू द बेस 5 इज इक्वल टू वाई। तो लॉग ऑफ 11 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2y। पर लॉग ऑफ 11 टू द बेस 5 जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो अपन बेस चेंज थ्योरम से हमको पता है कि लॉग ऑफ m टू द बेस अल्फा डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ n टू द बेस अल्फा कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ m टू द बेस n। ये पता है हमको, ये बोलता है बेस चेंज थ्योरम ने बोला था, ये इसने बोला और अपन ने सुन भी लिया, अच्छी बात है। तो इसको यूज कर लेते हैं हम। तो लॉग ऑफ 11 बेस 5 लिख देते हैं अपन, बस बेस कॉमन होना चाहिए, एंड लॉग ऑफ 3 बेस 5 लिख लेते हैं अपन माइनस 1। अभी ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है 2y के बराबर। तो यहाँ पर इसको बैठा देते हैं तो ये हो गया 2y। और लॉग ऑफ यहाँ पे क्या बना, लॉग ऑफ 5 बेस 3 इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम बेस और नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स। और हमें क्या चाहिए, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5। तो लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो ये रेसिप्रोकल में, या फिर 1 अपॉन दिस का वैल्यू ही एक्स है, यही रख लो ना। तो ये वैल्यू एक्स आ गया। तो 2yx माइनस 1 ये आ गया हमारे पास में लॉग ऑफ 11/3 टू द बेस 3 इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 2xy माइनस 1। एंड दिस एक्स एंड दिस एक्स दे ऑल आर सेम। तो उनका डिजाइन सेम कर लो अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो। और यहाँ पर भी जो एक्स है उनका डिजाइन सबका सेम है, वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो जितनी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यूज करी वो हमने लिस्ट कर ली। जो जो रिजल्ट हमने यूज करे, बेस चेंज थ्योरम को थोड़ा सा यूज कर लिया, पोर्सन ऑफ बेस चेंज थ्योरम बोल सकते हैं या वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द बेस चेंज थ्योरम वी हैव यूज्ड। तो उन सबको इंड्यूस करके अपन ने आंसर निकाल लिया, ठीक है ना।